नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। वंशिका, ग्रुप के अवैध कारोबार के खिलाफ जैनब फाउंडेशन करेगी आंदोलन। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अवैध रेत कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह है कि माफिया नियमों को ताक पर रख लगातार बेखौफ उत्खनन पर उतारू है। बुढ़ार थाना इलाके के कंसैड नदी में बाकायदे रपटा बनाकर ठेकेदार उत्खनन कर रहे हैं, वहीं प्रशासन इस पर कार्यवाही करने की बजाय चुप्पी साधे हुए है। बारिश के जाते ही रेत कारोबारी मनमानी पर उतारू हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर बुढ़ार थाना इलाके के चाका रेत खदान के से सामने आई है, जहां नियमों को ताक पर रख माफिया लगातार उत्खनन कर रहे हैं। यह तस्वीर बुढ़ार थाना इलाके के कंसेट नदी की है, जहां के चाका रेत खदान से लगातार वंशिका ग्रुप द्वारा रेत उत्खनन किया जा रहा है। ठेकेदार के बेखौफ कारिंदे प्रशासन के नियमों की सीधे अनदेखी करते हुए कंसेड नदी को प्राकृतिक स्वरूप नष्ट करने में लगे हुए हैं। माफिया रेत उत्खनन के लिए बाकायदे नदी में अस्थायी पुलिया बनाकर उत्खनन कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रकृति के क्षेत्र में वर्षों से काम करने वाली संस्था जैनब फाउंडेशन ने भी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। संस्था के अध्यक्ष अवधेश पांडे ने कहा कि प्रशासन यदि इस दिशा में जल्द ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अनशन करने पर बाध्य होंगे। शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मुझे अभी जानकारी मिली थी, मेरे मामले का एक फरार आरोपी बद्री पांडे जिस क्षेत्र में देखा गया है उसी के गिरफ्तारी के लिए आया था। और यहाँ पे सर जो रेत का भंडारण चल रहा है, रेत का जो कारोबार चल रहा है, क्या नियमन सर सही है? जी, यहाँ पे जो चाका है, यहाँ पे जो सोन नदी में है सेंसन खदान है जी, चाका घाटी यहाँ से चल रहा है, वंशिका ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रेत का भंडारण, जिसके लिए मैंने माइनिंग विभाग से पूछा है कि क्या यहाँ पे भंडारण का कोई उनको लाइसेंस जारी हुआ है, उन्होंने बोला कि मैं राजस्व अपना रिकॉर्ड देख के बताता हूँ। सर जानकारी ये आई है कि भंडारण की इनको अनुज्ञा नहीं दी गई है और भारी वाहन भी उतरने की अनुज्ञा नहीं है, इसीलिए मैंने माइनिंग विभाग से इसीलिए इस बात की जानकारी ली है, तो उन्होंने कहा मैं देख के बताता हूँ। जानकारी ये भी आई है सर कि पूर्व कबाड़ माफिया जो है बद्री पांडे यदि पुल में देखा गया है, जो एडीजी साहब से जिनके अभी हुई थी कबाड़ माफिया की, मैंने आपको बताया कि उसी की तलाश में मुझे जानकारी मिली, उसी की तलाश में मैं आया हूँ, उसी की बताया। और सर नदी जो प्रवाहित नदी है उस पर अपने निजी स्वार्थों के लिए पुल बना करके अवरुद्ध किया गया है उसको, इस बारे में इस संबंध में माइनिंग विभाग से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके द्वारा क्या यहाँ रोड बनाने की अनुमति दी गई है, तो उससे मैं जैसी भी जानकारी मिली उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। ठीक है, माइना किया मौके में, क्या आपने देखा? मौके में मैंने पाया कि वहाँ पर खदान के चारों तरफ अभी फेंसिंग नहीं है इनके द्वारा, उसको मैंने बोला कि ये भाई आपकी जो खदान सेंक्शन हुई है और जिस पे सीमांकन किया गया है उसमें चारों तरफ खंभे लगा करके और फेंसिंग करके आप एक बोर्ड लगाइए अपनी खदान का और एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें जितने वाहन आते जाते हैं उनका विवरण रहे, और एक इनके द्वारा अस्थायी पुलिया का निर्माण किया कि उसके संबंध में मैंने कागज़ मांगे तो उनने अनुमति का आवेदन लगाया कलेक्टर महोदय के यहाँ, और उस पर देख लेता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई, अनुमति मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। क्या आपके अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों को अवरुद्ध करना उचित है? कहाँ तक बिना अनुमति और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव वगैरह या इनकी सहमति से ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसकी जांच करेंगे, जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी आ रही है सर कि यहाँ उत्खनन तो ठीक है लेकिन इनके पास भंडारण की भी अनुमति नहीं है, वही भंडारण करके मैंने पूछा था, उनने 4-5 गाड़ियाँ रेत वहाँ डंप करके रखी थी, उसके विषय में मैंने पूछा है और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी निर्देश दिए हैं कुलस्ते को कि आप आए इसमें कार्रवाई करें। आपके द्वारा भविष्य में क्या कार्रवाई होगी? जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आज आप तहसील क्या करने आए थे, कौन सा कोई कार्रवाई चाहते हैं आप प्रशासन से? देखिए, हमारी संस्था जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है और हमें सूचना मिली और हमने स्थल भी देखा जाके वहाँ पर कि ये जो चाका रेत खदान वंशिका को दी गई है उसमें परिवहन के लिए एक प्राकृतिक जल स्रोत है कसेड़े नाला, तो उसमें इन्होंने एक अस्थायी पुलिया बनाई जिसके ऊपर भारी वाहनों का आवागमन होता है जिससे जो नाला है उसका स्वरूप बिगड़ रहा है और अभी आगामी रवि फसल भी आने वाली है, पानी रुक रहा है, उसकी वजह से आगे को हो सकता है कि आगे किसानों को पानी के सिंचाई के लिए पानी की भी दिक्कत हो। ज्ञापन में आपने क्या अवगत कराया और किसको दिया है ज्ञापन? ज्ञापन अभी हमने तहसीलदार साहब को दिया है, तहसीलदार साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी की है और
उनके द्वारा शायद वंश का ग्रुप के द्वारा यह भी बताया गया है कि हमने इस पुलिया की अनुमति ली है। अगर पुलिया की अनुमति ली है तो कोई बात नहीं, अगर प्रशासन के स्तर पर ही दी गई है तो फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी, NGT जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, फिर वो आगे की कार्रवाई हमारी निकट भविष्य में अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? नहीं, वो तो मैंने आज अनशन के लिए दिया है कि अगर उन्होंने अगर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं है, नहीं हो रही है, उनको अनुमति नहीं मिली है तो फिर अवैध है पुलिया। किसी तरीके से आप प्राकृतिक जल स्रोत को अवरुद्ध नहीं कर सकते। धन्यवाद।